सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसे 10 रुपए के नोट एक जमाने में खूब वायरल हुए थे। लोगों ने इस वायरल नोट को लेकर खूब मीम बनाए थे। अब कुछ ऐसा ही नोट एमपी में वायरल हो रहा है और इस पर सोनम गुप्ता की जगह सिंधिया ने ले ली है। कुछ ऐसे ही फोटो शेयर किया है एमपी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। 10 रुपए के इस नोट पर लिखा है, सिंधिया गद्दार है। इस नोट को अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा है कि आम जनता का आक्रोश गद्दारों के खिलाफ अब सब जगह दिखाई देने लगा है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट के बाद से अब बीजेपी काफी भड़की हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा जी को अपना पार्टी के नेता और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी को देखना चाहिए और समझाना चाहिए। जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से अपनी ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, वो उनके तरफ विचार करें। बाकी कमलनाथ जी की जैसी भाषा है, वैसा ही भाषा सज्जन सिंह जी की है। सज्जन वर्मा जी तो अपने नाम के उलट व्यवहार करते हैं। ये सब जनते गाली गलौज की भाषा अपने नेताओं के प्रति भी होती है, इसलिए उनके आरोपों का कहीं कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, देना भी नहीं चाहिए। को बता दें कि ज्योतिराय सिंधिया की बगावत के बाद से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिराय सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सिंधिया समर्थक 18 विधायक और 4 अन्य कांग्रेस विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिस कारण 20 मार्च को कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिराय सिंधिया अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और उनके समर्थक विधायकों को उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।